नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर प्रातः दर्पण न्यूज में। मैं हूं रमाकांत और आइए आप समय हो चुका है कुछ आज की खास खबरों का। आगरा को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए कवायद कर रहे नवीन जैन और उनके अधिकारी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। वहीं अगर शहरी क्षेत्र से जुड़े हुए ग्रामीण क्षेत्र को देखा जाए तो ग्रामवासी परेशान हो रहे हैं। ऐसा ही वाक्य देखने को मिला नगला उदा के अजीतपुर ग्राम पंचायत में, जिसके ग्राम प्रधान है रेखा देवी कुशवा। वही कार्यभार देखते हैं प्रधान पति यशपाल कुशवा, जो कि क्षेत्रवासियों की पीड़ा को नहीं समझ पा रहे हैं। वहीं ग्रामवासियों ने अपने मकान पर मकान बेचने का बोर्ड भी लगा दिया है। आगरा नगला ऊना अजीजपुर ग्राम पंचायत में, जिसके ग्राम प्रधान है रेखा देवी कुशवा, जो आर्यभार देखते हैं प्रधान पति यशपाल कुशवा, जो कि क्षेत्रवासियों की पीड़ा को समझ नहीं पा रहे हैं। वहीं ग्रामवासियों ने अपने मकानों पर बेचने का बोर्ड लगा दिया है कि ये मकान बिकाऊ है। जब प्रातः दर्पण न्यूज की टीम ने दौरा किया, क्षेत्र का क्या हाल था ये आपको हम आंखों देखा बताते हैं। जिस तरह ये आदमी पानी से निकल रहा है, गाड़ी वाले अपनी गाड़ियों को लेकर निकल रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि ये पानी खाली बरसात का ही नहीं, पास में बने तालाब का भी है, जिसमें छोटा सा पंप भी लगा है, लेकिन पानी नहीं निकाल पा रहे। प्रधान से फोन पर संपर्क करना चाहा तो प्रधान ने भी बाहर होने का बहाना लगा दिया, लेकिन क्षेत्रवासी की सुनने को किसी के पास समय नहीं था। मीडिया को देखकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और सभी ग्रामीण इकट्ठे होकर ग्राम प्रधान के खिलाफ नारेबाजी करने लगे एवं मीडिया के पूछने पर ग्रामीण वासियों ने अपना दुख बयां करते हुए बताया कि पिछले कई दिनों से घरों के बाहर एवं घर के अंदर पानी भरा हुआ है, जिसके चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जिससे उनकी पढ़ाई की काफी हानि हो रही है। दूसरी तरफ पानी भरने से बीमारी फैलने का खतरा भी बना हुआ है। वहीं अगर बात करें तो कई घरों की दीवारों में काफी सीलन भी आ रही है, जिससे ग्राम निवासियों में भय का माहौल है। अगर रात को घर गिरा तो क्या होगा। नगला उधा के सभी ग्रामवासी भय के माहौल में जीवन बसर कर रहे हैं। गांव के प्रधान रेखा कुशवा के पति प्रताप कुशवा ही सारा कार्य देखते हैं। उनसे भी ग्रामीणों ने कई बार शिकायत की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। गांव की महिलाओं में इतना जोश था कि अगर इस समय कोई उनके सामने आ जाता तो शायद उन्हें सुनाई बिना कैमरे के सामने किस तरह उन्होंने अपने व्याख्यानों को दिया, ये आपको हम दिखाते हैं। वही महिलाओं ने बताया कि अगर हमारा ना तो प्रधान ही सुनता है और ना ही कोई अधिकारी, जब भी प्रधान से बात करो वह अपनी कहीं ना कहीं काम में लगा होता है। ना तो बिजली के खम्भों पर लाइट लगी है और ना ही सड़कें बनी है। हम लोग लड़के जिंदगी जीने पर मजबूर हैं। अब तो हमारा भगवान ही मालिक है। अगर हमारी ये मूलभूत जाए पूरी नहीं होती तो हम किसी को भी वोट नहीं देंगे। वहीं गांव वासियों का कहना था कि हमने ना तो अपने प्रधान के अलावा विधायक का नाम जानते हैं और ना ही किसी को देखा है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि क्षेत्रीय विधायक कभी अपने क्षेत्र में दौरा तक करने नहीं आते। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से अविनाश कुलश्रेष्ठ की रिपोर्ट। कुशवा जी, ये कौन सा क्षेत्र है जहाँ ये पानी भरा हुआ है? नगला उदा ये क्षेत्र ग्राम पंचायत अजीतपुर। कौन है यहाँ के प्रधान? यहाँ के जो प्रधान है प्रताप कुशवा है, उनकी धर्मपत्नी है रेखा कुशवा। देखो, इस तरीके से पानी भरा हुआ है, कमर तक लोग वहाँ निकल के जा रहे हैं, इस बारे में आप लोगों ने कभी प्रधान जी से कुछ शिकायत की है? कई बार शिकायतें की गई। एक पूर्व में एक मेरे द्वारा एक शोभा यात्रा निकाली गई थी, लखपुर शोभा यात्रा, उस समय भी पानी की स्थिति जो है बहुत खराब थी। सीडीओ साहब से बोल करके, सीडीओ साहब से जब मैं बोला, सीडीओ साहब ने इसको पानी को निकलवाने का काम किया। यहाँ पर कोई भी कार्य सही तरीके से नहीं है। तो क्या कारण है प्रधान ने या अपने क्षेत्र में देखभाल नहीं कर पा रहे? नहीं देख पा रहे लगातार जो है। अगर इस टाइप से रहा तो आप लोग क्या आगे कार्रवाई करेंगे, क्या करेंगे प्रधान के लिए? हम लोग आंदोलन करेंगे और बाकी विधायक जी से मिलेंगे और जो भी शासन प्रशासन के लोग हैं उन लोगों को अवगत कराने का काम करेंगे। आज भी जो है सीडीओ साहब को जो है अवगत कराया गया और सीडीओ साहब को जो अवगत कराया तो एक बार जो है सेक्रेटरी आए और स्पष्ट जो है कोई जवाब नहीं दे पाए। क्या इस बार जो विधायक है वो आई है कभी देखने के लिए? कोई नहीं आया। तब जानते हैं कौन लोग जानते हैं उनको विधायकों को? कोई नहीं जानता। कोई जानता है क्या? कोई नाम नाम जानता? पूरे क्षेत्र में जब कोई आ नहीं रहा है तो कैसे पता चलेगा? तो इस बार क्या अभी चुनाव आने वाले हैं, क्या स्थिति रहेगी? स्थिति तो नेगेटिव रहेगी। जब विकास ही नहीं होगा तो वोट क्षेत्र के लोग कैसे दे पाएंगे? कमर तक पानी है, छत के ऊपर से लोग निकल रहे हैं,
घर से जो है रोड पे निकल नहीं पा रहे हैं। अगर चलो पानी की समस्या है, लेकिन जो लाइट की समस्या है वो तो कम्प्लीट होनी चाहिए। क्या बात है, लाइट की भी जो समस्या है, या टोरेंट की लाइट है, अच्छा टोरेंट की लाइट है। यहाँ पर एक भी लाइट किसी प्रकार से किसी के द्वारा अभी लग रही है, मतलब खम्भों का प्रधान ने लाइट ही नहीं लगवा पाई, कोई लाइट नहीं। एक मिनट रुक जाओ सती, रेडी। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम नल्ला है। कहाँ की रहने वाली हो? उदा के नगला में ये पानी भरा हुआ है, इसकी शिकायत कभी किसी से कही थी तुमने? प्रधान से किसी से बात करी है? बहुत प्रधान आ गया, बहुत ना समस्या बहुत दिनों से चल रही है, कोई सुधारी ना आते जाए, ना लाहौर आ रहा है तो गंद में रोटी करे जगह ही ना आते, नीचे घर पर रहे। ऐसे प्रधान को दोबारा चुनना चाहोगे? ऐसे प्रधान को कुछ नहीं होगा, तू बताओ वो तो सही ना दे पढ़ने के कैसे जाएंगे बच्चे? पढ़ने के लिए पढ़ने के लिए कैसे जाएंगे बच्चे? पढ़ने के लिए रास्ता कैसे मिलता है बच्चों? कैसे जा पाते हैं? सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? क्या नाम है तुम्हारा? बसंती देवी, ये बताओ जो गंदगी हो रही है इसको लेकर कभी किसी से शिकायत करिए? कभी कोई धरना प्रदर्शन को किया? ऐसे ही एक दफे पानी की वजह से झगड़ा हुआ था, पानी बंद कराने के लिए, और उसको अभी कुछ भी नहीं हुआ और खून पंचर और हो गए थे। जब प्रधान लड़ाकू प्रवृत्ति का है क्या? आप क्या पता है फिर किनसे लड़ाई किनसे हुई? बस पानी की निकास को लेकर और पानी फिर भी अभी हमारा काम ने काट दिया था। ऐसे ही परेशानी गाँव में पानी नहीं निकलता, कुछ नहीं हुआ, बहुत कोशिश करी। ठीक है, क्या नाम है तुम्हारा? जयदेवी। जयदेवी, जिस तरीके से खरंजे वरंजे खराब पड़े हैं, इनको लेकर प्रधान से बात की है? आधा भर गया था, आधा भाव होना माया भरेंगे, आधा रहेगा तेरा बच्चे घर में पानी भर रहा, बच्चे घर में पढ़ने जा रहे हैं, जा रहे हैं। प्रधान से कुछ बात बात रही है? कहीं कभी ना कहीं अब बनवाए रहे पाँच साल ना भाई, तो जो कहे तो आधा बनवाए हुआ आधा बनवाए उन्होंने। दोबारा ऐसे प्रधान को वोट दोगी? वोट बच्चे जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, मच्छर पड़ रहे हैं, इनसे क्या कहना है? मच्छर पड़ रहे हैं घरों में, अच्छा जो विधायक का नाम, विधायक का नाम जानती हो कौन है? विधायक जानते हैं।